टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और सिडविक रूल इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है या सिडविक रूल है क्या। अगर कोई सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग दे दें K4FeCN6, इसमें सेंट्रल मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, नहीं भी कर सकता है, और ये जो लिगेंट है ये लोन पेयर को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो इसका मतलब सेंट्रल मेटल के पास कितना टोटल इलेक्ट्रॉन्स रहता है जब लिगेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है, उसी को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एक चीज और हम लोग देख लें कि हर सेंट्रल मेटल अकॉर्डिंग टू सिडविक रूल कि इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जितना भी सेंट्रल मेटल होता है उसके पास ये टेंडेंसी होती है कि अपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को नियरेस्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर कर लें ताकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल हो जाए। ये टेंडेंसी होती है किसके अनुसार? सिडविक रूल के अनुसार। लेकिन हम लोग देखेंगे कि बहुत सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा जो ये रूल को ओबे नहीं करता है, इसलिए सिडविक रूल का कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। हम लोग इसको पढ़ेंगे लेकिन इसमें ये चीज़ और देखेंगे कि दो ही तरह का क्वेश्चन इसे अराइज होता है लेकिन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले पूछा जाएगा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देगा, अब पूछेगा कि सेंट्रल मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, और दूसरा पूछेगा कि वो सिडविक रूल को ओबे करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते कैसे हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को शॉर्ट में हम लोग EAN कहते हैं। इसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब आप पूछ सकते हैं कि 2 क्यों लिखे, इसलिए हम लोग लिखते हैं कि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो जितना लिगेंड होगा जो कि अपने लोन पेयर को दिए हुए रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग देख लें एक एग्जांपल, इसी का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि K4FeCN6 में आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, तो हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो आयरन का होता है वो 26 है। अब हम लोग ये देख लें कि इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो कितना होगा, 2 होगा, निकालना तो हम बता दिए हैं आप लोगों को, प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 24 प्लस 12 इसका 236। ये हम लोग क्या देखे कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आयरन का हो है वो 36, ये इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हो गया। हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे, 18, 36, 54, 86, यही देखेंगे। एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर किसी सेंट्रल मेटल का इसके बराबर आता है तो हम लोग कहेंगे कि वो सिडविक रूल को ओबे करेगा, और नहीं तो नहीं करेगा। अब हम लोग देख लें, ये चूंकि 36 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया है इसलिए सिडविक रूल को ओबे कर रहा है। फिर से देख लें किस तरह से निकाले हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, 26 एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल माइनस
इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, 2 हुआ, प्लस 2 × 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और 2 चूंकि एक लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन को देता है इसलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो मतलब हमारा 36 आ गया। एक और एग्जांपल देख लें हम लोग, NiCO4, इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल कितना होगा। हम लोग सीधे फॉर्मूला पर चलेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल निकेल के कितना होता है, 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0, जितना भी कार्बोनाइल ग्रुप चुके हम लोग पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रल लिगेंड्स होता है, इस सेंट्रल मेटल से इलेक्ट्रॉन को लेता नहीं है, इसलिए निकेल का कोऑर्डिनेशन नंबर सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 होगा, प्लस 4 × 2, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए कि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, तो 28 प्लस 8 इज इक्वल टू 36। ये भी सिडविक रूल को ओबे कर रहा है। और हम लोग एग्जांपल कुछ देख लें, इंपॉर्टेंट है। Mn₂CO₁₀, हम लोग देख लें मैग्नीज, Mn₂CO₁₀। अब हम लोग देख लें कि मैग्नीज का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा, दोनों का अलग अलग हम लोग निकाल लेते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीज हम लोग क्या देखेंगे, मैग्नीज 25 होता है एटॉमिक नंबर मैग्नीज का, जानते हैं हम लोग, चूंकि कार्बोनाइल ग्रुप है, कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं हुआ है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर 0 ले लिए, प्लस हर मैग्नीज से 5 कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो 5 × 2, प्लस चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, शेयरिंग हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो प्लस 1, मतलब 25 प्लस 10 प्लस 1 बराबर 36। ये भी क्या कर रहा है, सिडविक रूल को ओबे कर रहा है। देखिए 36 एटॉमिक नंबर प्राप्त कर लिया। इस तरह से और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, प्लैटिनम NH3+6 4+। अब हम लोग इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात कर लें, एटॉमिक नंबर कितना होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ प्लैटिनम, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 78। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, 4 प्लस है, इसलिए माइनस 4 प्लस 6 × 2 इसका टू कितना हो गया, 74 प्लस 6 × 12 86। रेडन का एटॉमिक नंबर प्राप्त कर लिया। ए वी सिडविक रूल को ओबे कर रहा है। अब कुछ एग्जांपल हम लोग देख लें जो कि सिडविक रूल को ओबे नहीं करता है। उसमें K₃ Fe₆₁, इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, एटॉमिक नंबर कितना होता है आयरन का, 26, ऑक्सीडेशन नंबर -3 प्लस 6 × 2, तो कितना हो गया, 23 प्लस 35,
ये क्या हुआ, 35 है, 36 के नज़दीक जरूर है, लेकिन ये सिडविक रूल को ओबे नहीं कर रहा है। तो क्या लिखेंगे कि डज नॉट ओबे द सिडविक रूल। तो हम लोग ये देख लिए कि इसमें दो तरह का ही क्वेश्चन अराइज होगा। फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किस तरह से सेंट्रल मेटल का निकालेंगे अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है। दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें जो सेंट्रल मेटल है सिडविक रूल को ओबे कर रहा है कि नहीं। बस दो ही तरह का क्वेश्चन आता है, इसका इम्पोर्टेंस इतना ही। थैंक्स।